चलो। अच्छा भाई, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वर्डप्रेस की स्टार्ट कर रहे हैं हम डेवलपमेंट, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है? तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो वर्डप्रेस सेटअप कैसे करते हैं किसी भी लोकल एनवायरमेंट में। जैसे देखें, अगर मैं सर्वर की बात करूँ, सर्वर दो तरीके होते हैं, ठीक है? एक हमारा www वाला जो गूगल प्रोवाइड करता है, एक होता है हमारा लोकल सर्वर। लोकल सर्वर क्या होता है, जो हमारे सिर्फ जो वो सर्वर जो सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ही चले, ठीक है? तो आज मैं अपने बेसिकली वर्डप्रेस को हमें जो है ना एक सर्वर पे डिप्लॉय करके और काम करना होता है, उसके लिए हम लोकल सर्वर डिप्लॉय लोकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। देखिए, मेरे पास तो शायद इंस्टॉल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आज हमारे टॉपिक क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारे टॉपिक क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है? ये हाउ टू इंस्टॉल ज़ैम, ज़ैम कैसे इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ज़ैम क्या है? ये ज़ैम हमारा एक लोकल सर्वर है, ठीक है? लोकल सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? इंस्टॉल वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन, वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? और सेटअप वर्डप्रेस इन लोकल होस्ट, ठीक है? ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और वर्डप्रेस जो है वो हम लोकल होस्ट में, मतलब अपने लोकल सर्वर में कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? तो पहला स्टेप हमारा क्या है भाई, कि हम अपने जो है वो ज़ैम्प कैसे इंस्टॉल करेंगे अपनी विंडो में। विंडो आप विंडो सेवन, अच्छा देखिए, हमारा जो ज़ैम्प है विंडो 7 में भी चल सकता है, विंडो 10 में भी चल सकता है, आप लोग करें। लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप जो है लेटेस्ट विंडो का वर्जन यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे आना है और आपको लिखना है ज़ैम्प। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ज़ैम्प लिखना है, जैम डाउनलोड लिख दिया, जैम लिखते हैं, मैंने जैम डाउनलोड लिख दिया। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है अपाची की, जहाँ पे हम आपके सामने देखें ऑफिशियल वेबसाइट है जैम की, जहाँ पे हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। अच्छा, आपको देखें जैम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। अब वो कैसे चेक करेंगे आपके लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, देखिए PHP के लेटेस्ट वर्जन अभी क्या चल रहा है, 8.2 चल रहा है PHP का। तो हमारा जो वर्डप्रेस होता है वो PHP बेस है, पूरा PHP बेस हम काम करेंगे। वर्डप्रेस के ऊपर हम लेटेस्ट वर्जन देखेंगे, 8.05, 8.1.12, 8.2। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे तो प्रॉपर एक सेटअप जैसे हम करते हैं वो आप पूरा डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कहाँ पे ये इसका फोल्डर कहाँ नजर आना चाहिए, तो मैं आपको बताया। आप आएंगे अपनी सी ड्राइव के अंदर, ठीक है? सी ड्राइव के अंदर आपके पास इस तरह का फोल्डर आएगा जैन के नाम से, और जैन के अंदर जो हमारा ज्यादातर काम होगा वो होगा एच टी डॉक के अंदर, ठीक है? वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, आप यहाँ से जो भी फोल्डर आएगा जिप आएगी, आप उसको डाउनलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, पूरा उसको सेटअप जैसे हम करते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन वो करने के बाद आप उसको आपकी मर्जी, आप उसे सी ड्राइव में स्टोर करें या फिर डी ड्राइव में स्टोर करें, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आपके पास जैन का फोल्डर आने के बाद आप जैन में आएंगे, एच टी डॉक के अंदर आएंगे, और इसके अंदर अभी हमने देखें कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप नहीं किया है, ना कोई हमने डेटाबेस बनाया है, ना कोई हमने वर्डप्रेस स्टोर करा है, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये हमारा हो गया आज का, ये हम ये लिख देते हैं भाई, ये हमारा डन हो गया, ठीक है? ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद दूसरा क्या है, हमें वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, भाई वर्डप्रेस आपने लिखा, कुछ भी लिखा आपने, लिखा वर्डप्रेस, आपने सिर्फ वर्डप्रेस लिखना है और वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट को खुद ही लेके आ रहा है, ठीक है? डाउनलोड वर्डप्रेस, अभी वर्डप्रेस का 6.2 वर्जन चल रहा होगा वो देख लेते हैं। और ये देखिए 6.1.1 वर्जन है जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। आप पे कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड वर्डप्रेस। जैसे डाउनलोड करेंगे आपके पास एक जिप डाउनलोड हो रही है 23.2, ज्यादा वर्डप्रेस जो होता है काफी लाइट वेट होता है, वो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा स्टेप है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस को सेटअप करना है, ठीक है? अब लोकल वो उसमें जो हम सेटअप करते हैं वर्डप्रेस को, उसके लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो देखेंगे आज हम। चलिए, वर्डप्रेस जो हमारा डाउनलोड हो गया है, ये हमारा वर्डप्रेस हुआ है डाउनलोड, 1 मिनट हो रहा है। हो गया तकरीबन। अच्छा भाई, अभी हमें करना क्या है कि वर्डप्रेस जो है ना हमारा, ये जो वर्डप्रेस का जो भी आपने कहीं भी जहाँ भी डाउनलोड किया हो, इसको आपको कंट्रोल एक्स करना है, कट करा आपने यहाँ से, ठीक है? इसका जो भी फोल्डर होगा, और अपने जैम और जहाँ पे आपने जैम को इंस्टॉल करा है
जैसे मैंने सी ड्राइव में स्टोर करा, मैं सी में आया ठीक है, और मैंने क्या करा, जैन के फोल्डर के अंदर आके htdoc, ये आपको फोल्डर से मुझे याद रखना है, वैसे जो भी काम होगा हमारा वर्डप्रेस का वो इसी के अंदर होगा, htdoc के अंदर। आपने htdoc के अंदर आके ये अपने जो फोल्डर था वो पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेस्ट हो रहा है। डाउनलोड आई थिंक हुआ था कि हो गया था, एक अभी डाउनलोड हुआ है, ये अभी डाउनलोड देखें, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जब भी वो पेस्ट नहीं हो रहा है वहां पे, कट करा था मैंने, पेस्ट नहीं हुआ, वो डाउनलोड हो जाए कंप्लीट एक बार, फिर हम इसको कट करते हैं। इस पे एक्सट्रैक्ट अगर हम करें, फेल लिखा हुआ रहा है ना, वायरस बोल रहा है अभी, वायरस है हमारा, वायरस कहाँ से आ गया, अभी दोबारा कर लेते हैं। चले डाउनलोड जैसे ही होगा उसके बाद आपके पास एक फोल्डर आएगा, वैसे जैसे डाउनलोड होता फिर मैं करता हूँ सारा काम। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ भाई थे, ये हमारे पास वर्डप्रेस देखें इंस्टॉल होगा, ये हमारा वर्डप्रेस है ठीक है। आप मैं यहाँ पे, अच्छा देखें ये जिप फाइल है, तो आपको इसके लिए एक विंडार का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ये भी आप याद रखें। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करा यहाँ से, एक्सट्रैक्ट फाइल, जैसे आप एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, ठीक चले भाई, ये हमारा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो गया। इस फोल्डर के अंदर हमारा एक और फोल्डर है, इसका नाम है वर्डप्रेस। जैसे ही मैं वर्डप्रेस ओपन करूंगा, देखिए इतनी सारी फाइल्स हैं हमारे पास और इतने सारे फोल्डर हैं, बल्कि तीन फोल्डर होते हैं। जो हमारा मेन फोल्डर है वो हमारा कौन सा है, डब्ल्यू पी कंटेंट का फोल्डर, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है वर्डप्रेस के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो हमारी वेबसाइट नहीं चलेगी, ये भी याद रखिएगा ठीक है। मैं क्या करूंगा, मुझे ये पूरा फोल्डर चाहिए, मैं क्या करूंगा इसको कॉपी करूंगा और अपने आया मैं जैन के अंदर htdoc के अंदर, और ये मैंने, अच्छा इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, चलो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ उसको, तो पेस्ट हो रहा है, जो मैंने वर्डप्रेस का फोल्डर वहाँ से कॉपी करा था मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, क्योंकि तो जो भी हम काम करेंगे वो अपने जैन के सर्वर के अंदर रहते हुए करेंगे ठीक है। जैन मैंने कहाँ स्टोर करा हुआ, सी में, सी ड्राइव में स्टोर करा हुआ, सी ड्राइव के अंदर htdoc के अंदर मैं अपना फोल्डर पेस्ट कर दूंगा, चलेंगे ये इंस्टॉल हो जाए, पेस्ट हो जाए। हाँ भाई आगे वर्डप्रेस। अच्छा देखिए, आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना अपना, तो आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम अपने हिसाब से रखना ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ प्रोजेक्ट वन के नाम से ठीक है, मैंने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है वर्डप्रेस का, हमने स्टार्ट करिए, क्या मैं इसको क्लास वन के नाम से भी रख सकता हूँ ठीक है। मैं सिंपल इसको रखता हूँ भाई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वन के नाम से रखा है, मैंने प्रोजेक्ट वन के नाम से रखा। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना काम समझ में आ गया आपको, बट पहले रैम इंस्टॉल करना है, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस का जो भी इंस्टॉल होगा उसका जो मेन फोल्डर होगा वर्डप्रेस का वो यहाँ पे आके पेस्ट करना है, और रिनेम आपकी मर्जी है, आप रिनेम भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं वर्डप्रेस के नाम से। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि मेरा जो मेरा फोल्डर मैंने पेस्ट करा है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं चेक कैसे करूँगा ये फोल्डर क्या काम कर रहा है, ऐसे ही है ना कि मैंने क्यों पेस्ट करा है यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, पहले मुझे अपना जो सर्वर है ना लोकल सर्वर वो ऑन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे आपने, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया था तो आप यहाँ पे आएंगे लोकल होस्ट सीखेंगे, लोकल होस्ट सीखा आपने, लोकल होस्ट जैम, एक मिनट
लोकल होस्ट मेरे पास है नहीं, नहीं चेक करना पड़ेगा तो नहीं होना तो चाहिए। सैंपल 1 मिनट, देखिए आपने सॉल्व करा होगा तो आपके पास जैम लाजमी आएगा। जाते हैं जैम, पहले सी में सॉल्व करा तो यही होगा, इसका फोल्डर जैम का कहीं पे रखा हुआ होगा। ये जैम का फोल्डर है हमारा और ये हमारा जैम है। जैम स्टार्ट, जैम स्टार्ट नहीं, जैम स्टॉप, जैम कंट्रोल पैनल। देखिए अगर आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रहा ना स्टार्ट मेन्यू पे जैम, जैम अगर मैं देखें यहाँ पे मैंने जैम लिखा था या लोकल होस्ट लिखा था, मैंने लोकल होस्ट लिखा, मुझे नहीं आ रहा था नजर। ठीक है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने जहाँ ये देखें, अगर आपको नहीं नजर आ रहा आपने कहाँ डाउनलोड करा है, आपने सी ड्राइव में डाउनलोड करा था, अब बाय सी ड्राइव में जैम के फोल्डर के अंदर आए और ये जैम स्टार्ट लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कंट्रोल पैनल इस तरह का ओपन हो जाएगा आपके पास। आप क्या करेंगे, अपने अपाची सर्वर ऑन करना है आपको, और क्या करना है, बात दिखा अलाउ कर रहा है, अलाउ आपको अलाउ करना है, एक्सेस मांग रहा है ये विंडो का। अलाउ करने के बाद आपको माई सिक्यूएल जो है वो भी ऑन करना है, ये भी अलाउ मांग रहा है, आपको अलाउ एक्सेस देना है इसको। ठीक है ये हो गया, ये देखें मेरा जो है डेटाबेस। अच्छा देखिए माई सिक्यूएल क्या है, डेटाबेस है, और अपाची क्या है, अपाची एक सर्वर है, लोकल सर्वर, जो हमारा जो है बट हमारा जो भी काम होगा हमें लोकल सर्वर पे दिखाएगा। और ये जो हमारी जो है पॉड चल रही है, पॉड पॉड होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉड पे वो काम करता है हमारा, वो 80 पॉड चल रही है हमारी, दो पॉड हमने स्लॉट की हुई है यहाँ पे, एक 480 पॉड है और एक 443 पॉड। ठीक है ये समझ में आ गया था कि आपको जैम सॉल्व करना है, ऑन करना है, उसके बाद क्या करना है, अब हमारा जो मेन काम हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसको जरा अब आया, हमने मुझे अपना जो मैंने सेटअप करा है अपना प्रोजेक्ट वो चेक करने के अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्या करूंगा, आपने लिखा लोकल होस्ट, ये देख लें लोकल होस्ट स्लैश स्लैश के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। प्रोजेक्ट का नाम क्या हमारा है, प्रोजेक्ट वन। मैंने जैसे ही प्रोजेक्ट वन लिखा उसके बाद ये मुझे उस प्रोजेक्ट वन की तरफ लेके आएगा जो मैंने वहां पर सेटअप करा हुआ है, फिर मैं वो पूरा सेटअप करूंगा। हो रहा है ऑन हो रहा है, अच्छा भाई जैसे ही आप वो अपना जो लिंक है ना हमारा प्रोजेक्ट वन, जैसे ही आप लेके आपको इस तरह का ये कुछ ये डिस्प्ले दिखा देगा, डैशबोर्ड दिखा देगा। आप आए आपने इंग्लिश वर्जन ही सिलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट जो भी है कंटिन्यू करा, उसके बाद वेलकम टू द वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड द फॉलोइंग आइटम्स, आपको ये चीजें की जरूरत पड़ेगी वर्डप्रेस यूज करने के लिए। क्या क्या चीजें भाई, डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट नेम। ठीक है ये चीजें की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ लैस गो पे क्लिक करा। अब आते हैं डेटाबेस। अच्छा अभी डेटाबेस हमने अपने वर्डप्रेस के लिए कोई डेटाबेस बनाया अभी तक नहीं बनाया ना डेटाबेस, तो आप इसके लिए आप डेटाबेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैं आया अपने जो मैंने कंट्रोल पैनल ओपन करा हुआ था, ये डेटाबेस क्या है, MySQL या अपाची है, हमारा MySQL डेटाबेस है। ठीक है याद रखिएगा, मैं आया MySQL पे एडमिन में मैंने क्लिक करा, जैसे ही मैंने एडमिन पे क्लिक करा ये मुझे कहाँ लेके आ गया, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये क्या करता है, हमारे जितने भी डेटाबेस होते हैं ये PHP माई एडमिन मैनेज कर रहा होता है सारे डेटाबेस, ये याद रखिएगा। ठीक है अभी ओपन होगा उसके बाद देखते हैं किस तरह शो हो रहा है। अच्छा ये हमारा ऑन हो गया, ये देख लें अभी हमारे डेटाबेस कौन कौन से बने हुए हैं, ये काफी बने हुए डेटाबेस, लेकिन हम अपने लिए एक नया फ्रेश डेटाबेस बनाएंगे। मैंने न्यू पे क्लिक करा, अपने डेटाबेस का नाम क्या रखूंगा, मैं डेटाबेस का नाम रखते हैं प्रोजेक्ट वन, जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था वो रखते हैं प्रोजेक्ट वन। ठीक है प्रोजेक्ट वन करके मैंने क्रिएट कर दिया, ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने आऊँगा प्रोजेक्ट की तरफ, मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा,
यूजर नेम क्या होता है यार, जब भी हम कोई भी लोकल उस पर काम करेंगे ना, यूजर नेम फिक्स होगा जो वो हमारा ढूंढ, हम रूट पे रहते हुए काम करेंगे, ठीक है। रूट याद रखिए, यूजर हमारा फिक्स है, पासवर्ड हम कुछ नहीं रखते फिलहाल, और डेटाबेस होस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं। होस्ट क्या होता है, एक होता है HTTP लाइव सर्वर, एक होता है लोकल लोकल सर्वर। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, टेबल जो है हमारा, टेबल क्या होता है, टेबल प्रीफिक्स बोल रहा है। आपको अपने डेटाबेस के टेबल प्रीफिक्स क्या रखना है, प्रीफिक्स पता क्या होता है, स्टार्ट में जो होते हैं ना, जैसे हम कोई एक यूनिक चीज लगाना चाहते हैं किसी भी अल्फाबेट के साथ, हर अल्फाबेट के साथ, तो मैं प्रीफिक्स लगा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया ई डैश, कुछ भी नाम होता है ना, इस तरह करके मैं लिख रहा हूँ WP-, तो ये है कर क्या रहा है, इस तरह करता देखिए। अगर मैं अपने डेटाबेस ओपन करूँ ना यहाँ पे, तो अच्छा अभी इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने इंस्टॉल नहीं करा है वर्डप्रेस, मैं कोई दूसरा दिखाया था। ये देख लें, ये इसके टेबल बनाएंगे, ये भी ओपन होंगे तो देखें, ये देख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, इसमें प्रीफिक्स है नहीं वैसे, बाकी होते हैं दूसरे में, टेस्ट वाला देख लेते हैं, टेस्ट वाला भी खाली है। चलो हम आप इंस्टॉल करेंगे तो देखते हैं। मैंने प्रीफिक्स WP बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया, मैं सबमिट करा था, ठीक है, रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करा मैंने। उसके बाद अब आपको अपना, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी हमने सिंपल, हमें साइट, जो हमने साइट बनाएंगे उसका टाइटल रखना है, साइट साइट का टाइटल क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आपके पास। मैं क्या रखूंगा, प्रोजेक्ट वन जो मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम रखा है, वही मैं अपनी साइट का नाम रख सकता हूँ। देखिए साइट साइट का टाइटल ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट वन रखा, यूजर नेम आपकी मर्जी, आप जैसे होता है ना वेबसाइट को लॉग इन करने का ऑप्शन, वेबसाइट जब लॉग इन करनी हो तो मैं क्या रखता हूँ, वो यूजर नेम रखता हूँ, पासवर्ड रखता हूँ, ऐसा ही है ना। इंस्टॉल वर्डप्रेस करने के बाद मैं लॉग इन करा, लॉग इन के लिए वो मुझे मांग रहा है एडमिन, हमारा यूजर नेम क्या था एडमिन, और पासवर्ड क्या था ई, पासवर्ड हमने पेस्ट, पासवर्ड क्या था हमारा, ई लर्निंग एट द रेट 123 पासवर्ड था, यूजर नेम था, आपने रिमेंबर मी पे क्लिक करा और लॉग इन वर्डप्रेस पे, सॉरी लॉग इन पे हमने कर लिया क्लिक। अब क्या होगा, जो हमारी जो वेबसाइट हमने डिप्लॉय करी है लोगल होस्ट पे, हम उस पर आ जाएंगे। देखिए आ गई वेबसाइट, शेयर हो रही है ना स्क्रीन, ठीक है। अब ये हमारे फर्स्ट टाइम हमने वर्डप्रेस का सेटअप इंस्टॉल करा अपने लोकल होस्ट, ठीक है। इस तरह का सेटअप होता है हमारे पास, और ये काफी चीजें हैं जिसे प्रॉपर डिस्क्राइब करूंगा कि ये सारी चीजें करती क्या है, ये मेन्यू बार लैम्प पे क्या करता है, ये वर्डप्रेस का हमारा ऑफिशियल पेज है, ये हमें दिखा रहा होता है डैशबोर्ड पे। अब देखें आप, जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था वो कहाँ आ रहा है, प्रोजेक्ट वन देख रहे हैं, और इसमें काफी चीजें, कमेंट्स हैं। अब मुझे चेक करनी है कि मेरी वेबसाइट कैसी शो हो रही है, मैं विद इन वेबसाइट पे क्लिक करूंगा
और मैं अपनी वेबसाइट को चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देख रहे हैं अभी मेरी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है, खाली वेबसाइट है, कुछ भी हमने कुछ करें नहीं था अभी, सिंपली एरो वर्ड दिखा रहे हैं। पोस्ट वर्ड पेज करता क्या है, जब भी हम वर्ड पेज सॉल्व करते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट बना के रखता है अपने पास। अब पोस्ट क्या होती है वो भी हम बताएंगे, पोस्ट क्या होती है ठीक है वो सारी चीजें हम बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। आज भाई इसको देखते हैं कि हम मेन्यूज बार करते क्या क्या चीज़ है, क्या क्या काम करते हैं मेन्यूज हमारे जो है ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि हम वर्डप्रेस कैसे स्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस में डेटाबेस कैसे बनाते हैं ठीक है। अभी हमने जो वर्डप्रेस स्टॉल करे ना, इसमें हमने कौन सा डेटाबेस यूज करा है, जो हमने बनाया है डेटाबेस, इसके पीछे वही वाला डेटाबेस कनेक्ट है ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे भाई, थोड़ी बहुत डिस्क्राइब कर लेते हैं, पोस्ट क्या होती है, मीडिया क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं, कमेंट्स क्या करते हैं, अपेयरेंस क्या होती है, सारी चीजें ठीक है। प्लगइन्स क्या काम करते हैं ये देख लेंगे, टूल्स क्या करते हैं, सेटिंग्स क्या करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पोस्ट की तरफ, पोस्ट क्या होती है। पोस्ट एक समझो के इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वर्डप्रेस के अंदर, पोस्ट का ठीक है। पोस्ट काफी चीजों को आसान कर देती है, एक में बात करूंगा बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की पोस्ट की, एक में बात करूंगा वर्डप्रेस की कस्टम पोस्ट टाइप की बात करूंगा। कस्टम पोस्ट टाइप तो काफी आगे के टॉपिक है लेकिन वो भी कवर कर देंगे, कस्टम पोस्ट टाइप होती क्या है। अच्छा भाई पोस्ट क्या होती है, जैसे पहले तो हम वर्डप्रेस को डिस्क्राइब कर लेते हैं, वर्डप्रेस होता क्या है भाई, उसके बाद हम वर्डप्रेस की चीजों को डिस्क्राइब करेंगे ना भाई। वर्डप्रेस क्या होती है, वर्डप्रेस एक सीएमएस है ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये सारी चीजों को मैनेज करके रखता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस का जो फुल फॉर्म है ना, अगर आपसे पूछे सीएमएस क्या होता है आप क्या बोलेंगे, वर्डप्रेस एक सीएमएस है ठीक है। अब सीएमएस क्या करता है आप पूछेंगे, सीएमएस क्या होता है, अब बोलेंगे भाई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसमें आराम से सारी चीजें को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, सारा जो है फ्रंट एंड का काम बैक एंड का काम सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं ठीक है। इस तरह से वर्डप्रेस काफी चीजों को क्या करता है, इजी कर देता है। इस वजह से क्या होता है, ये वर्डप्रेस क्या हमारा कंटेंट को मैनेज करके रखता है, सारी चीजों को एक जगह जमा करके रखता है ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अब वर्डप्रेस तो हमें समझ में आ गया कि वर्डप्रेस एक मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ये काम करता है। वर्डप्रेस के अंदर चीजें क्या क्या चीजें होती हैं, आप बोलेंगे वर्डप्रेस में पोस्ट होती है, पेजेस होते हैं, मीडिया होती है, प्लगइन्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्लगइन्स, प्लगइन्स क्या करते हैं वो भी देखेंगे भाई, प्लगइन क्या काम करते हैं। अब भाई पोस्ट की बात कर लेते हैं, पोस्ट क्या होती है, पोस्ट जैसे आप फेसबुक की एग्जांपल दे देते हैं, हम फेसबुक में पोस्ट वगैरह हम डालते हैं क्या होती है ना, पोस्ट देख रहे होते हैं आप रोजाना, हजारों पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट होती क्या है ये नहीं पता। पोस्ट एक तरह से ये कि आप अपने कंटेंट को किसी को दिखाना है ना, जैसे मुझे किसी को शो करना है, जैसे मैं बात करूंगा कि आर्टिकल, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, आपने एक आर्टिकल लिखा ठीक है, जैसे मैंने लिखा भाई कि आर्टिकल लिखा 2023 में आपने आर्टिकल लिख दिया, 2023 में आपने आर्टिकल लिख दिया। अब वो आर्टिकल आपको क्या करना है, किसी वेबसाइट पे लगाना है, किसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस आर्टिकल की एक इमेज बना लेंगे थोड़ी, भाई इसके ऊपर इमेज कैसे, कौन सी इमेज लग सकती है, आर्टिकल का टाइटल होता है ना, हर किसी के एक टाइटल होता है खास, और आर्टिकल के अंदर कंटेंट क्या क्या चीज़ होती है वो कंटेंट, ये तीन मेन चीज़ें होती हैं हमें किसी भी पोस्ट को बनाने के लिए। क्या होती है, एक आर्टिकल का टाइटल लाजमी है, आर्टिकल का कंटेंट, कंटेंट नहीं होगा तो पोस्ट ही नहीं होगी ना भाई, पहली बात तो ये ऐसा ही है ना, और आर्टिकल की इमेज, फीचर इमेज ऑप्शनल है, रखें नहीं रखें वो आपके ऊपर है। अभी आपने देखा होगा सिंपल एक पोस्ट बनी होती है जो बगैर सिर्फ कंटेंट और टाइटल होता है, ऐसा ही है ना, इमेज कभी कभी। अब देखिए हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट इमेज वो बनी हुई है, पोस्ट टैग, देखें ये जिसको भी कर रहे हैं, टाइटल, ऑथर, अच्छा ऑथर का वर्ड सुना है, ऑथर, ऑथर सुना तो होगा, ऑथर क्या होता है, ऑथर वो होता है जिसने एक पोस्ट बनाई है, जिसने पोस्ट लिखी है, ऐसा ही है ना। तो ये जो जो पोस्ट बनाने वाला है, किसने बनाई पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन, एडमिन हम ही है, अभी हम ही काम कर रहे हैं तो हम ही बनाएंगे पोस्ट ठीक है। और डेट कौन सी है भाई, डेट की भी है, आज की डेट बता रहा है ये कुछ 19 तारीख 19 तारीख दूसरा महीना, और टाइम वो आगे पीछे करता है। इसमें क्या टाइटल है, ऑथर से कैटेगरीज क्या होती है, कैटेगरी का वर्ड भी सुना होगा आपने भी, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है। कैटेगरी ये होती है कि हम अपने पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं भाई, जैसे मैं बोलूंगा मैंने एक वो लिखी, मैंने एक आर्टिकल लिखा क्रिकेट के ऊपर, अब क्रिकेट के ऊपर लिखा मैंने, अब एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट की एक कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कितने सारे हैं,
ऐसा ही है ना, स्कोर में फुटबॉल भी आ जाएगा, क्रिकेट भी आ जाएगा, टेनिस भी आ जाएगा। तो मैं अपनी कोच को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, मतलब स्पोर्ट के अंदर क्रिकेट, समझ आया क्या बोला मैंने, ये कैटेगरी ये काम करती है, ताकि लोगों को जो सर्च करते हैं ना चीजें, अगर सर्च कर रहे हो गूगल पे तो मैं क्रिकेट लिखूंगा तो आराम से सर्चिंग में आसानी होती है लोगों को, वो कैटेगरी वाइज सर्च लिया था, ठीक है याद रखिए। अब मैं पोस्ट को जब मैं एडिट करूंगा ना, जब बनी बनी पोस्ट है हमारी बाय डिफॉल्ट पोस्ट, इसको मैंने एडिट पे क्लिक करा, ये देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ मेरे पास ये आ रहा है। हमारी मीटिंग एंड होने वाली 6 मिनट में, ठीक है बस ये पोस्ट कवर करते हैं आज कंप्लीट, एक नई पोस्ट बना भी लेंगे। ये देख रहे हैं भाई, ये हमारा टाइटल है, ठीक है इस तरह का टाइटल, हेलो वर्ल्ड। अच्छा टाइटल आप चेंज भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा भाई हमारी पोस्ट वन है, क्या भाई पोस्ट वन, पहली पोस्ट वन, और कंटेंट आपकी मर्जी, आप कोई कुछ भी लिख सकते हैं। कंटेंट में यहाँ पे डमी कंटेंट खा लेता हूँ, लॉरेम इप्सम के नाम से आपको पता है, लॉरेम इप्सम डमी कंटेंट होता है हमारा, मैंने वहां से डमी कंटेंट यहाँ पे पेश कर लेंगे। अच्छा भाई ये हमारा कंटेंट है, इसी को पेश कर लेते हैं अभी। अच्छा ये मैंने पेश कर दिया यहाँ पे, ये डमी कंटेंट। अच्छा अभी यहाँ पे बता रहा है ये पोस्ट के अंदर कैटेगरी बता रहा है मुझे, कैटेगरी आपने कुछ बनाई भी नहीं है अभी, अनकैटेगराइज है, अनकैटेगराइज रख, अभी फिलहाल हम कैटेगरी पे इतना काम नहीं करते, जो हमारा मेन है ना वो हमारी फीचर इमेज है। फीचर इमेज क्या होती है, इमेज अभी हमारी मीडिया लाइब्रेरी में कोई भी इमेज नहीं, मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है, जो हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है मीडिया की, जहाँ पे हम सारी चीज़ें रखते हैं ना मीडिया की, उसमें अभी कोई भी इमेज मेरा, क्योंकि मैंने कोई इमेज अपने वर्डप्रेस पे अपलोड ही नहीं करी है ना। मैं आऊँगा अपनी अपलोड फाइल पे, मैंने सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करा और मैं चेक करता हूँ मेरे पे कोई इमेज रखी हुई है अभी, मैं वही इमेज अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। तो अभी कोई इमेज रखी हुई है, देख लेते हैं कौन सी इमेज है, क्या डाउनलोड कर लेते हैं भाई, काम करते हैं। कार इमेज बल्कि क्या लिखा था मैंने अभी, टाइटल क्या था हमारा, पोस्ट वन है ना, कार इमेजेस, तो इसमें कोई भी इमेज डाउनलोड करके इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा हमें। ये देखिए डाउनलोड सेव इमेज पे क्लिक करा आपने, और सेव इमेज आपकी मर्जी आप जिस फोल्डर में रख रहे हैं, मैं भी फिलहाल डाउनलोड पे रख, ठीक है मेरे पास इमेज डाउनलोड हो गई और मैं यहाँ पे आया, मैंने ये इमेज को सिंपल ड्रैग करके यहाँ पे फेंक दिया, ऐसे ड्रैग करके जैसे ही आया कि मेरे पास इमेज अपलोड हो गई, ठीक है मैंने सेट फीचर इमेज यहाँ पे कर दी, ये मेरे पास वाली इमेज जो मैंने डाउनलोड करी थी अभी वो सेट हो गई यहाँ पे, ठीक है मैंने इसको अपडेट करा, जैसे ही मैंने अपडेट करा मैं चेक करूंगा मेरी पोस्ट में शो कैसे हो रही है फ्रंट एंड पे, मैंने व्यू पोस्ट पे क्लिक करा, मैं आया अपने फ्रंट एंड पे। अच्छा भाई देख लें, इतनी बड़ी मेरे पास इमेज आ गई, इमेज का साइज काफी बड़ा था, ये मेरे पास देखिए ये पोस्ट का टाइटल और ये कंटेंट, तो आपको समझ में आ गया कि पोस्ट का काम कर रही थी वर्डप्रेस पे, हमारा ज्यादातर काम पोस्टों पे ही हो रहा होता है, हम काफी पोस्टें बना के उसी लगा देते हैं अपनी वेबसाइट पे, भाई ये मेरा आज होता है ना, जैसे मैं बात करूंगी कुछ वेबसाइट होती है जो पोस्ट ही करती है, जैसे मैं बात करूँ एसईओ की वेबसाइट की बात कर लेता हूँ, आर्टिकल की वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग्स, ब्लॉग्स यही काम कर रहा होता है, बस ये ब्लॉग बनाता रहता है अपलोड करता रहता है, इसी तरह होता है, ठीक है चलें एक मिनट है बस, उसके बाद कुछ एक दो चीज़ और देख लेते हैं। पोस्ट क्लियर हो गया कि आपको एक नई पोस्ट बनानी, तो क्या करेंगे, एड व्यू पे क्लिक करेंगे, सिंपल एड व्यू पे क्लिक करके एक नई पोस्ट बना लेंगे, और कैटेगरीज अगर बनानी हो तो हम कैटेगरीज भी बनाएंगे, कैटेगरीज कैसे बनानी है, मैं कैटेगरीज पे देखे, मैं कैटेगरीज पे आया, अभी कैटेगरीज कुछ भी नहीं है, अनकैटेगराइज बनी हुई कैटेगरी खाली है, मैंने यहाँ पे आया भाई एक नई कैटेगरी बनानी है मुझे, मैंने कैटेगरी का नाम लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2023 के नाम से मैंने एक कैटेगरी बना दी भाई, अरे ये कैटेगरी बनती नहीं है, स्पोर्ट्स के नाम से मैंने कैटेगरी बना दी, स्पोर्ट्स मैंने स्पोर्ट के नाम से कैटेगरी बनाई और मैंने इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, ये मेरे पास एक कैटेगरी बन के आ गई, देख रहे हैं आपके पास कैटेगरी बन के आ गई, ठीक है इसी तरह अगर आपको कोई टैग्स बनाना है, जैसे होता है ना हैश टैग कि मुझे अपने पोस्ट बनानी है, उसके साथ मल्टीपल टैग्स के साथ ये पोस्ट सर्च होके आया, जैसे मैंने पोस्ट बनाई किस नाम से बनाई, एक क्रिकेट के नाम से मैंने पोस्ट बनाई, अब क्रिकेट के नाम से मैंने हैश टैग बना दिया भाई कि किस तरह बनाया भाई, कि 2023 क्रिकेट के नाम से मैंने एक टैग बना दिया हैश टैग, मैं आपको दिखा करके दिखाया, मैंने टैग पे क्लिक करा, जैसे मैंने कैटेगरी बनाई है वैसे टैग बनेंगे, ठीक
ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2023 के नाम से मैंने टैग बना दिया, मतलब जब भी 2023 कुछ भी सर्च करेगा ना कोई भी, तो ये पोस्ट उठ के आनी चाहिए, ऐसा ही है ना। ठीक है, मैंने लिखा भी क्रिकेट, क्रिकेट के नाम से मैंने एक टैग बना दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टैग पोस्ट कैसे बनती है, सॉरी टैग्स कैसे बनते हैं, कैटेगरीज कैसे बनती हैं, पोस्ट कैसे बनती है। ठीक है, और बाकी मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है, मीडिया लाइब्रेरी वही है जहाँ पे हम अपनी मीडिया अपलोड करेंगे, वो सारी मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती रहेंगी। ठीक है, पेजेस, पेजेस काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो जितना भी हमारा काम हो रहा होता है वो पोस्टों पे या पेजेस पे काम हो रहा होता है। हम क्या करते हैं, आपको जैसे वेबसाइट है, 5 पेज बनाने हैं आपको वेबसाइट, है ना, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, एक अबाउट अस का पेज हो गया। अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे पेजेस कितने बने, पेजेस हमारा भी कुछ बने भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई पेज बनाया ही नहीं। बाय डिफॉल्ट जो बट पेज देता है वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज देता है, एक सैंपल पेज दे देता है बना बनाया। ठीक है, आपको एक नया पेज बनाना है तो क्या करेंगे, ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे और आपने पेज का नाम रखा, जैसे मैंने होम पेज का नाम रख दिया, होम होम का पेज का नाम रखा, मैंने इसको पब्लिश कर दिया यहाँ से, मैं इसको पब्लिश करा। ठीक है, चेक करना है मेरे पेज में अभी कुछ है या नहीं, मैंने व्यू व्यू पेज पे क्लिक करके देखें, व्यू पेज पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये अभी मेरा पेज खाली है, कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ टाइटल दिखा रहा है, पेज वन सॉरी होम मैंने टाइटल रखा है। अभी हम काम करेंगे, अभी पेज में कोई चीज ऐड करनी हो, कंटेंट कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो है यहीं पे ऐड करते हैं इसको, कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली आज, हमने पोस्ट देख ली, मीडिया देख लिया, पेजेस को हमने स्टार्ट कर दिया। अब मैं प्रॉपर जब हम पेज बनाना स्टार्ट करेंगे हर चीज का, यूआई की मैं बात करूंगा, यूजर मतलब यूज क्या बात करेंगे, यूआई फ्रंट एंड की मैं बात करूंगा, फ्रंट एंड कैसे बनता है वो सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है भाई।